Hello, my dear kids, welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are learning English grammar of class 7. So this is a book, Grammar, Glitter, Odyssey. And today we are going to start with chapter number 15, and the name of the chapter is Prepositions. So let's start the chapter. प्रशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रेपोजिशन क्या होता है ये एक वर्ड होता है जिसे प्लेस किया जाता है रखा जाता है बिफोर आ नाउन नाउन से पहले या फिर प्रनाउन से पहले टू शो इट्स रिलेशनशिप विद समल्स जो इसके रिलेशनशिप को बताता है किसी और के साथ जोड़ता है सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल द बर्ड इज ऑन द ट्री तो आप देखते हो ट्री के पहले क्या लिखा है ऑन सो ऑन क्या है एक प्रेपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है कि जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर है ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बर्ड एंड द ट्री नेक्स्ट Prepositions indicate place, location, direction and time. So preposition हमें place भी बताते हैं location बताते हैं direction बताते हैं और time भी बताते हैं Let's learn about kinds of prepositions. So prepositions fall into three classes. जो prepositions हैं वो three classes um, में आप उसे categorize कर सकते हो पहला है सिंपल प्रपोजिशन सो सिंपल सिंपल प्रपोजिशन आर द हैव देयर इंडिपेंडेंट है ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिसमें इनके खुद के इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं दे हैव नॉट बीन ड्रिवन फ्रॉम एनी अदर वर्ड ये जो है किसी और वर्ड से नहीं आते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन एट

बनाए जाते हैं और किसी adjective में लगाए जाते हैं या फिर किसी एडवर्ब में लगाए जाते हैं. थर्ड वन इज फ्रेस प्रेपोजिशन सो दीज आर दर्ड्स इन ग्रोप दट है फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन ये जो फ्रेस प्रेपोजिशन से ऐसे वर्ड्स है, ग्रुप में जो में फोर्स होता है सिंगल का जितने भी हैं इनमें जो भी प्रेपोजिशन है इनके खुद के कुछ पार्ट्स होते हैं एग्जाम्पल इज अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विथ बाय ऑफ बाई फ्रंट ऑफ

So, beside Mary. Dash, the snow or plane was del delayed. So, now we can write. In accordance with the snow, the our plane was delayed. John was looking dash his friend. So, John was looking.

सो द फर्स्ट प्रेपोजिशन इज प्रेपो एट तो चिल्ड्रेन आप देखोगे की एट को आपने यूज किया है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो जगह बता रहे हैं फॉरेस्ट स्पेसिफिक हाउस किसी एक स्पेसिफिक हाउस की जब बात करें किसी प्लेस ऑफ रेसिडेंस की बिल्डिंग की विलेज की या फिर स्मॉल टाउन की अब आप यहां देखेंगे कि प्रेप ऐट जो है टाइम के लिए भी यूज किया जाता है तो ऐट इज यूज

इन किस काम आता है कंट्री के लिए लार्ज टाउन के लिए स्ट्रीट के लिए प्लेस uh, बताने के लिए टॉक ऑफ पोजिशन और बाउंड्री विथ बाउंड्रीज तो किसी पोजिशन के लिए भी हम इन यूज करते हैं अब आप देख सकते हो टाइम में भी हमने ये यूज़ किया है अब यहाँ पे क्या काम है इसका ये पीरियड बताता है पीरियड ऑफ टाइम बताता है जैसे कि मिनट आर्स डेज मंथ कंट्री अब नेक्स्ट है अलॉन्ग जो मोशन बताता है मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी चीज के आप कह सकते हो किनारे जाना ये भी कह सकते हो आप नेक्स्ट कम्स ऑन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बताता है सो समथिंग इज रेस्टिंग ऑन इन कॉन्टेक्ट विथ अ सर्फिस तो कोई चीज है किसी चीज के ऊपर है तब हम ऑन को यूज करते हैं यहां पे क्या है ऑन इज यूज फॉर पर्टिकुलर डे एंड डेट्स किसी पर्टिकुलर डे या फिर डेट के लिए ऑन यूज किया जाता है नेक्स्ट इज अक्रॉस अक्रॉस जो है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग किसी चीज के किनारे किनारे जाना दैट इज अक्रॉस अलोंग मीन्स किसी के साथ जाना अक्रॉस मीन्स किसी के किनारे जाना नेक्स्ट इज डी अबव अबव क्या है थिंक इज हायर दीज है और दूसरी चीज उससे ऊपर है वो दोनों आपस में अटैच नहीं कर रहे हैं एंड क्या टाइम वे द एक्शन बिगिन कब जो है वो एक्शन शुरू हुआ था टूवर्ड्स क्या बताता है इन अ डरेक्शन किसी चीज की तरफ जाना दिस इज टू वर्ड बिलो मींस किसी चीज के नीचे समथिंग इज लोअर कोई चीज किसी चीज के नीचे है बट दे आर नॉट टू क्या बताता है? The time when the action ends. Two बताता है है कि काम कब खत्म हो रहा है टू यहाँ पे आप देखोगे डेस्टिनेशन बता रहा है केस ऑफ मोशन नेक्स्ट कम्स बिटवीन बिटवीन क्या बताता है An object somewhere in the middle of the टू ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई चीज है तो बिटवीन कहलाता है सेंस क्या बताता है आप पोर्शन ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम का पोर्शन आप कह सकते हो वो बताता है आप जो है बाई क्या बता रहा है द मींस और एजेंसी ऑफ एन एक्शन द मेड ऑफ द मोड ऑफ ट्रेवल तो क्या बताता है मीन्स बताता है एंड मोड ऑफ ट्रैवल भी बताता है नेक्स्ट इज अमंग अमंग अमंगस किसी चीज के बीच में मीन्स बहुत सारे बॉयज है तो उसमें से एक बच्चे को उठाना है तो अमंग हम यूज करेंगे सो एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाई मोर देन टू और थ्री ऑब्जेक्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताता है एंड विथ इज यूज एज इंस्ट्रूमेंट टू डू समथिंग नेक्स्ट कम्स अगेंस्ट Against tails, something is used as a support. किसी चीज की जगह पे यूज किया जा रहा है देर बाद नहीं ऑन क्या बता रहे हैं द मोड ऑफ ट्रेवल ऑन फुट मोड ऑफ ट्रेवल बता रहे हैं नेक्स्ट इज टेल ऑल एंड टेल एन प्रेपोलूशन ऑफ टाइम सोटिल और एन टिल क्या बताता है नॉट अर्लियर देन और किसी चीज से पहले नहीं सो दीज वन ऑफ द प्रेपोजिशंस विच टेल एस अबाउटिशन ऑफ प्लेस टाइम एंड मोशन सो यू लर्न ऑल दिस नाउ द डिफरेंस बिटवीन एन एंड विद इन in और within के बीच में क्या डिफरेंस है in क्या किस काम आता है एट द एंड ऑफ किसी चीज के एंड में आई शैल बी बैक इन अ मंथ मींस एक महीने के अंदर-अंदर में आ जाऊंगा within हम कब यूज करते बिफोर द एंड ऑफ किसी चीज के खत्म होने से पहले आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ मंथ खत्म होने से पहले ही आ जाऊंगा मैं नाउ चलिए लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज इन दैराग्राफ गिविन बिलो पोजिशन मिसिंग इन ईच सेंटेंस तो हर सेंटेंस में आप देखोगे preposition जो है, missing है, आपको क्या करना है दार्जिलिंग इज सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन किलोमीटर फ्रॉम कलकाता बाई रेल एट एंड ओवर नाइट जर्नी टेक्स अ पर्सन दर्ली इन द मॉर्निंग न्यू जेल पैगुड़ी इज इन नॉर्थ बेंगोल सो लाइक दिस चिल्ड्रेन कंप्लीट द टेबल विदिवेन कंप्लीट दैराग्राफ विदिन प्रपोजिशन दैट लर्न नाउ सी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ये जो ब्लैंक्स है इसमें हमें प्रपोजिशंस को फिल करना है so here the first one is she died dash liver damage so uh, the answer will be she died because she died of liver damage next the lady was accused for negligence i am good English. So, like the children, fill in the blanks. Next, let's move to question number D. take the correct preposition. Dash Sunday, Mega will clean her house. So on Sunday, Mega will clean her house. Yeah. Savita so kept the clothes. Dash a big wooden cupboard. And Big wooden cupboard. We all decided to go to Delhi by road. Pranav is very fond of music. So, children, we have done four questions. Rest, do it yourself. So, with this, children, we have completed the chapter preposition. You have to complete the given exercises. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay late and thanks for watching.